और आप देख रही हैं द नेटिजंस न्यूज़। खबरों के सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों में। आगरा का गणगौर मेला इतिहास का किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल के बाद इस परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष की भांति इस बार गणगौर मेला बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर निगम के महापौर नवीन जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया गया। मेले की विधिवत शुरुआत होने के बाद मेला कमेटी के पद अधिकारियों द्वारा मंच पर उपस्थित पार्षद रवि माथुर, पार्षद राकेश जैन, रिटायर्ड डीजे दिनेश शर्मा एवं सलील जी महाराज का भी सम्मान किया गया। साथ ही मेले की पुरानी परंपरा पर प्रकाश डालते हुए गणगौर मेले का इतिहास बताया। जी, ये मोती कटरे का ये गणगौर का ये मेला है, बहुत प्राचीन मेला है। लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतिवर्ष हर वर्ष ये मेला का आयोजन होता रहा। पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था और देश का ये सौभाग्य है कि कोविड जैसी महामारी से हम लोग मुक्त हो चुके हैं और इसी कारण से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बंदिशें बड़े आयोजनों पर लगी हुई थी वो सब हटा ली गई है और इस कारण से ये 2 वर्ष के बाद पुनः ये आयोजन यहाँ हुआ है। देखिए कितने बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं सभी मेले में आए हुए अतिथियों का और जो नागरिक आ रहे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये गणगौर मेला लगभग 150 साल से चला आ रहा है और इसमें हर वर्ग अपना क्षण बढ़ चढ़ कर योगदान देती हैं और आज इस मेले के मुख्य अतिथि हमारे आगरा नगर निगम के मेयर साहब नवीन जैन जी ने उद्घाटन किया है और यहाँ लगभग 150 दर्जन झांकियाँ निकलती हैं और झूले, स्टॉल, हर चीज़ क्या कहते हैं भाईचारा हिंदू मुस्लिम सब मिलकर कराती हैं। दो साल जो कोरोना काल का गया है ये बहुत ही दुखद था, अब ये क्या कहते हैं धीमे धीमे सामान्य होता जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे आयोजनों को बिल्कुल मुक्त कर दिया है और भव्य और सब पब्लिक बढ़िया तरीके से मेले का आनंद ले रही है। जो 2 साल से नहीं आए थे वो इस साल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मेले के मुख्य अतिथि महापौर श्री नवीन जैन ने अपने